बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक की ऐसी कई शानदार जोड़ियां हैं जो पहले भी हिट थी और आज भी हिट है और आगे भी हिट रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी दमदार केमिस्ट्री से सभी को दीवाना जो बनाया है। पर क्या आप जानते हैं कि वहीं बड़े पर्दे पर 90s की ऐसी भी टॉप 9 जोड़ियां हैं जो कभी बहुत हिट हुआ करती थी पर आज फ्लॉप है, जिन्हें कोई देखना तक पसंद नहीं करता। पर वो क्यों, किस लिए और कौन कौन सी वो जोड़ियां, चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। नंबर 9, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। एक समय था जब बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित और लखन अनिल कपूर की जोड़ी के घर घर डंके बजते थे, जिन्होंने राम लखन और तेजाब जैसी फिल्मों में काम कर अपनी प्यार भरी केमिस्ट्री से सबको खूब इम्प्रेस किया था। पर आज के टाइम में ये जोड़ी फ्लॉप है, क्योंकि इनके पीछे से आई नई नई जोड़ियां फिल्मों में खूब धमाल मचा रही हैं। नंबर 8, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली गाना सुनकर खिलाड़ी अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का नाम याद आता है। ये 90s की वो जोड़ी रही है जिन्हें रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी लोग पसंद करते थे, पर ब्रेकअप के बाद इन्हें सभी ने भुला दिया और आज सुपर फ्लॉप जोड़ी ये कहलाई जाती है। नंबर 7, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन। हम दिल दे चुके फिल्म से अपने प्यार के झंडे गाड़ने वाले अभिनेता सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का एक समय पर काफी बोलबाला था। हर कोई फिल्म में इसी जोड़ी को डिमांड रखता था, पर जैसे इनका ब्रेकअप हुआ वैसे ही लोगों ने इस जोड़ी को नापसंद करना शुरू कर दिया। नंबर 6, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। टिप टिप बरसा गाने से एक साथ हर घर में छा जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर पहले जहां लोग प्यार बरसाते थे, एक ही फिल्म में दोनों को कास्ट करने की मांग रखते थे, वहीं दोनों के अलग अलग हो जाने के बाद इस जोड़ी का नाम भी फ्लॉप जोड़ी में शुमार हो गया है। नंबर 5, नीतू सिंह और ऋषि कपूर। पहले हिट और अब फ्लॉप जोड़ी में नीतू सिंह और ऋषि कपूर का भी नाम आता है, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने प्यार भरे रिश्ते और नोकझोंक से लोगों का खूब प्यार पाया था, पर शादी के बाद इनमें पहले वाली कोई बात नहीं रही, जिसके चलते धीरे धीरे जोड़ी भी फ्लॉप हो गई। नंबर 4, माधुरी दीक्षित और सलमान खान। हम आपके हैं कौन और साजन ये वो फिल्में हैं जहां से माधुरी दीक्षित और सलमान खान की जोड़ी सुपरहिट हुई थी, पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये जोड़ी लोगों की नापसंद बन गई, जिन पर एक साथ अब कोई फिल्म नहीं बनाई जाती, क्योंकि इन्हें लेकर लोगों के बीच अब कोई क्रेज ही देखने को नहीं मिलता है। नंबर 3, आमिर खान और जूही चावला। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और जूही चावला ने कई फिल्मों में अपनी जोड़ी जमाई थी, जहां पहले इन्हें एक साथ बेहद पसंद किया जाता था, पर नई जोड़ियों के आने की वजह से बॉलीवुड से इनका पत्ता कट गया। नंबर 2, शाहरुख और काजोल। बॉलीवुड के किंग शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक टाइम पर इतनी फेमस थी कि लोग इनकी शादी के बंधन में बंधने तक का सपना देखते थे, पर जब साल 2015 में ये जोड़ी दिलवाले फिल्म में एक साथ दिखी तो लोगों ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, जिसके चलते ये फिल्म और इनकी जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप गई। नंबर 1, गोविंदा और नीलम कोठारी। फिल्म इंजाम से बॉलीवुड में मशहूर ही गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी लाखों में एक थी, जो अपने प्यार भरे रिश्ते से सभी को भाती थी और काफी हिट भी हो गई थी, पर आज ये जोड़ी फ्लॉप है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। वेल दोस्तों, पुराने दौर में आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी रही है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।